सो हेलो वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में मैं रिएक्ट कर रहा हूं हाईएस्ट पेड एक्टर्स इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बॉलीवुड वर्सेस लॉलीवुड का ये कंपैरिजन होगा। देखते हैं कि पाकिस्तान में, इंडिया का तो मुझे पता है करोड़ों में होते हैं, 100 करोड़, 80-90 कुछ इस तरह से होते हैं उनकी फ़ीस होती है एक एक मूवी के लिए। लेकिन पाकिस्तान में मूवीज़ कम होती हैं, ड्रामा ज़्यादा होते हैं, तो अलग अलग तरह की फीसेज होती होंगी। आई डोंट नो कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा होती है या फिर कम होती है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, बाकी बात हम करेंगे बाद में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अगर आपको मेरा काम और मेरी वीडियोस पसंद है तो आप मुझे पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, पाकिस्तान में बहुत से लोगों को बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स के बारे में कुछ ही चीज़ के बारे में पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि वो एक मूवी का कितना चार्ज करते हैं। ठीक उसी तरह बहुत से इंडियंस को पाकिस्तानी एक्टर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसलिए आज हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको इंडिया और पाकिस्तान के टॉप मोस्ट पेड एक्टर्स के बारे में बताएंगे। तो नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका नमस्कार फैक्ट फॉक्स और बहुत ही प्यार से आपका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। तो चलिए पहले बात करते हैं इंडियन एक्टर्स के बारे में। तो दोस्तों, इंडिया में पहले नंबर पे सबसे ज्यादा मूवी के लिए चार्ज करने वाला वही शख्स है जो साल में कम से कम 5-6 मूवीज निकाल ही देता है। अक्षय कुमार बहुत ज्यादा मूवीज करते हैं कि इनकम भी ज्यादा होगी। अक्षय कुमार एक मूवी के लिए चार्ज करता है करीब 128 करोड़ इंडियन रुपीस, और अगर हम US डॉलर्स में देखें तो ये रकम बनती है अराउंड 17 मिलियन डॉलर्स। तो अगला बंदा लिस्ट में वो है जिसको बॉलीवुड में अक्सर भाई के नाम से जाना जाता है। वैसे अगर इसके काम देखे जाएं तो भाइयों वाला दर्जा बनता तो इंडियन, लेकिन खैर हम बात कर रहे हैं सलमान खान की कमाई की। तो 2020 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सलमान एक मूवी के लिए एवरेज चार्ज करता है 105 करोड़, जो कि US डॉलर्स में बनते हैं 14 मिलियन डॉलर्स। चलिए अब अगले शख्स की बात करते हैं। तीसरे नंबर पे हमारी लिस्ट में वो आदमी है जो इस टाइम पे दुनिया का रिचेस्ट एक्टर भी है। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने, हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान की। तो ऑन एवरेज शाहरुख खान एक मूवी के लिए 88 करोड़ इंडियन रुपीज चार्ज करता है, जिसको अगर हम US डॉलर्स में देखें तो बनते हैं करीब 11 मिलियन डॉलर्स। बॉलीवुड की परफेक्शंस के नाम से मशहूर आमिर खान, आमिर खान बहुत कम मूवीज करते हैं और इतने कम पैसे। 74 करोड़ इंडियन रुपीस आमिर खान चार्ज करता है, जो कि US डॉलर्स में बनते हैं करीब 9.8 मिलियन डॉलर। नहीं यार, इतना कम नहीं करता होगा। और अब आखिर में हमारी लिस्ट में ऋतिक रोशन है, जो कि एक मूवी के लिए चार्ज करता है अराउंड 65 करोड़ इंडियन रुपीस, और इस अमाउंट को अगर हम US डॉलर्स के हिसाब से देखें तो बनते हैं करीब 8.6 मिलियन डॉलर्स। तो ये थी इंडियन टॉप पेड एक्टर्स की लिस्ट। तो चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तानी एक्टर्स के बारे में। तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का इमरान अब्बास इस लिस्ट में आता है नंबर 5 पे, और 2020 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब्बास चार्ज करता है 10 लाख पाकिस्तानी रुपीस एक ड्रामा, एक सिंगल ड्रामा सीन के लिए। और नंबर 4 पे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पेड एक्टर है फैजल कुरैशी, जो कि चार्ज करता है 25 लाख पाकिस्तानी रुपीस एक सिंगल प्रोजेक्ट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे लिस्ट में जो नंबर 3 पे है। तो नंबर 3 पे है फहाद मुस्तफ़ा, और फहाद मुस्तफ़ा चार्ज करता है करीब 40 लाख पाकिस्तानी रुपीस ऑन एवरेज फॉर अ सिंगल मूवी। और अब नंबर 2 पे लिस्ट में है शान शाहिद। शाहिद पाकिस्तान में काफ़ी मशहूर है और वार जैसी मूवी में लीड रोल कर चुका है, और अगर हम बात करें कमाई की तो शान चार्ज करता है करीब 50 लाख पाकिस्तानी रुपीस एक सिंगल मूवी के लिए। चलिए फाइनली अब इंतजार कर रहे हैं और बात करते हैं उस शख्स की जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चार्ज करता है एक मूवी के लिए, और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वही एक्टर है जो कई इंडियन मूवीज़ में भी काम कर चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फवाद खान की। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फवाद चार्ज करता है पूरे 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ एक मूवी के लिए। क्या बात है। तो हमने दोनों ही देशों के एक्टर्स की कमाई की बात की और देखा कि इंडिया में हाईएस्ट अर्नर अक्षय कुमार है, जो कि एक सिंगल मूवी के लिए करीब 128 करोड़ चार्ज करता है, और वहीं पाकिस्तान में पहले नंबर पे फवाद खान है जो करीब 1 करोड़ चार्ज करता है। दोनों ही देशों के एक्टर्स की कमाई में लाइक काफ़ी लाइक जमीन आसमान का फर्क है। शायद ही कोई ऐसी पाकिस्तानी मूवी होगी जिसने इतने पैसे कमाए होंगे कि जितने अक्षय कुमार एक सिंगल मूवी के लिए चार्ज करता है। इसका एक रीज़न ये भी है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की रीच बहुत ज़्यादा है पब्लिक, और साथ में ही हमारे यहाँ सिनेमा को हराम नहीं माना जाता। अगर दोनों ही देशों में सुलह होती है तो सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा पाकिस्तान को हो सकता है, क्योंकि
उनको दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट मिल सकती है, लेकिन अफसोस दोनों ही देश धर्मों में फंसे हुए हैं। तो बस उम्मीद यही है कि दोनों ही देशों में सुलह हो जाए और दोनों ही देश एक दूसरे के सिनेमा का आनंद उठाएं अपने अपने देशों में बैठकर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और सत श्री अकाल। तो ये इस वीडियो में हमने देखा कि पाकिस्तानी और इंडियन एक्टर्स की इनकम में कितना ज़्यादा, मतलब जो भी वो चार्ज करते हैं, ज़मीन आसमान तो छोड़िए, बहुत लंबा चौड़ा फ़र्क मुझे नज़र आया इसमें। और इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, इंडियन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है, फिल्म इंडस्ट्री, और बहुत ज़्यादा पहुँच है जैसा कि इसमें इन्होंने बताया। उसके अलावा बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे, जो स्टार्टिंग की जो उसकी पब्लिसिटी हो जाती है शुरुआत में ही, वो बहुत ज़्यादा पब्लिक तक पहुंच जाती है प्रमोशन के ज़रिए और बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए। तो वो चीज़ें पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान की एक्टर्स की मुझे इनकम देखकर वाकई में हैरानी हुई, इतनी ज़्यादा कम मुझे लगी कंपैरिजन के मुकाबले में, तो बहुत ही ज़्यादा कम लगी। क्योंकि अगर वहाँ का 1 करोड़ रुपया भी आप मानते हैं, इंडिया के वो 1 करोड़ जो पाकिस्तान के हैं वो इंडिया के 50 लाख से भी कम बैठेंगे, क्योंकि यहाँ का जो 1 रुपया है, पाकिस्तान का 2 रुपये 20 पैसे होता है। मतलब आप फ़र्क देख सकते हैं कि यहाँ का 1 रुपया वहाँ 2 रुपये 20 पैसे के आसपास होता है, तो करेंसी में फ़र्क है बहुत ज़्यादा। तो इसके हिसाब से और ज़्यादा कम लगती है मुझे इनकम जो है पाकिस्तानी एक्टर्स की। लेकिन वीडियो के अकॉर्डिंग देखें तो आमिर खान की मुझे बहुत ज़्यादा कम लगी, सिर्फ 74 के आसपास जो इन्होंने बताई है मुझे कम लगा, क्योंकि वो मूवीज़ बहुत कम करते हैं, 1 साल में सिर्फ एक आधी मूवी करते हैं, सबसे कम मूवीज़ करते हैं, लेकिन सबसे कम चार्ज भी करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने सुना है आमिर खान बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं अपनी मूवीज़ के लिए। हो सकता है इसमें गलत इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, बाकी लोगों की तो हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि सही है, शाहरुख खान की, सलमान खान वगैरह की, इनकी तो सही लग रही थी, ऋतिक रोशन की, कि ये इतनी ही चार्ज करते होंगे, लेकिन ये भी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है इंडिया के हिसाब से, और यहाँ पर तो बनता है। अब्बास 65 लाख रुपीज़ लेते हैं, वो भी उनके हिसाब से सही है, क्योंकि ड्रामास करते हैं एंड मूवीज़ बहुत ज़्यादा कम होती हैं। सबसे पहली बात तो मूवीज़ कम होती है, मूवीज़ के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो मूवीज़ में ज़्यादा चार्ज किया जाता है ड्रामास से ज़्यादा, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो। शान शाहिद 50 लाख लेते हैं, बहुत सही होंगे वहाँ के हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कम पैसों में भी अमीरी होती है, ऐसा मुझे फील होता है कभी कभी, मैंने बहुत सारी चीज़ों को मतलब स्टडी किया है, देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी फवाद खान तो टॉप के एक्टर हैं, बहुत पुराने वक्त से उनका रैंक जो है वो नंबर 1 पर आता है, और उनका 1 करोड़ रुपये लेना जायज़ है और बनता है उनका, क्योंकि उन्होंने इंडिया में भी बहुत काम किया है, उससे भी वैल्यू बढ़ जाती है। इमरान अब्बास ने भी काम किया हुआ है यहाँ पर, तो वो भी मुझे लगता है जिन्होंने इंडिया में काम किया हुआ है उनकी वैल्यू आई थिंक और ज़्यादा बढ़ जाती है वहाँ पर भी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप कमेंट कर बताइए ये कंपैरिजन जो था वो सही था या फिर इसमें जो वैल्यूज़ बताई गई है वो सही है, अगर तो कमेंट कर बताइए। बस यही था वीडियो, पसंद आया तो लाइक करके शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन हो सजेशन हो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।